कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी और ये यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड से भी होकर गुजर रही है, जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। आइए जानते हैं कि झारखंड में न्याय यात्रा के सियासी मायने क्या है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से झारखंड भी बेहद अहम राज्य है, क्योंकि यहाँ कुल 14 सीटें हैं। इनमें से केवल एक ही सीट कांग्रेस के पास है। यहाँ की सिंहभूम सीट से कांग्रेस की गीता कोड़ा लोकसभा सांसद है। जाहिर है कि कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा के जरिए यह आंकड़ा बढ़ाने की जुगत में लग गई है। सोरेन जी को, हमारे सब एमएलए को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बीजेपी और आरएसएस की जो साजिश थी उसको रोका और यहाँ गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। कुछ दिनों से हमारी यात्रा झारखंड में चल रही है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर, लाखों लोग एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। बीजेपी ने, आरएसएस ने देश में नफरत फैला रखी है, हिंसा फैला रखी है, इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में हम सब मिलकर, लाखों लोग मिलकर चले और देश को हमने एक नया रास्ता दिया, एक नया रास्ता दिखाया और यात्रा बहुत सफल हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव भी इस साल के अंत में कराए जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधानसभा सदस्यों की संख्या 16 है, जो कि फिलहाल सरकार में शामिल है। ऐसे में कांग्रेस अपने विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहेगी, इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये न्याय यात्रा विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर की जा रही है, ताकि कांग्रेस पिछले चुनाव से और बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके लिए पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी है। आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, जोर से बोलो, दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इसका आस्ते 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 गला घोट रहे हैं, सही। आज एचईसी के लोग आए हैं, मगर जहां भी मैं जाता हूं वहां पे ऐसे किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोग बैनर लिए, पोस्टर लिए, झंडा लिए खड़े दिखते हैं। बीएचईएल, एचएल, एचईसी, क्योंकि मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आस्ते 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 मार कर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है। भाई और बहनों, बीएचईएल नहीं, एचएल नहीं, एचईसी नहीं, इंडियन ऑयल नहीं, अदानी। बहरहाल राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड में भीड़ तो मंड रही है, लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, झारखंड बिहार।